इस संसार की सुख शांति जब हमें मिलती है, जब हमें सारी सुख समृद्धियाँ हमारे पास जब आती है, तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो बचपन में मेरे माइंड में यह आता था कि क्या मैं अगर उस भगवान को, उस ऊपर वाले को भूल जाता हूँ, तो क्या वो भी मुझे भूल जाते होंगे। ये बचपन में मैं हमेशा सोचा करता था। आज मैं आपसे यही शेयर करने वाला हूँ। इस चीज़ को बहुत ही गौर से सुनना। एक माँ बाप बच्चे को बहुत ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उनकी अपेक्षाएं बचपन से ज़्यादा कहीं जुड़ जाती हैं बच्चों से, कि मेरा बच्चा होगा तो मुझे मुसीबत में काम देगा, जब मेरी बुढ़ापा आएगी तो मेरी बहुत मदद करेगा, मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा होगा। बहुत सारी चीज़ें उनकी अपेक्षाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं। जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो बच्चा जिद करने लगता है कि पापा मुझे पढ़ना है, बट मैं यहाँ आप लोगों के पास रह के नहीं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे बाहर रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। माँ बाप नहीं चाहते हुए भी बच्चे को बाहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, विदेश में या फिर कहीं बाहर बड़े शहरों में। अब माँ बाप की जो इच्छाएँ थीं, उस बूढ़े माँ बाप की जो आशाएँ थीं, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी थोड़ी दबने लगती हैं। बच्चा विदेश में या फिर बड़ी शहरों में जा करके बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है, पूरे जी जान से पढ़ाई करता है, और अपने उस बूढ़े माँ बाप को भूल जाता है। उस शहर की चकाचौंध में, उस विदेश की चकाचौंध में, बड़े बड़े लोगों के बीच में वो अपने आप को भी भूल जाता है, अपने माँ बाप को भी भूल जाता है, कि मेरे माँ बाप भी कोई हैं या फिर मेरे बूढ़े माँ बाप भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पे सप्ते में दो बार कॉल आते थे, महीने में एक भी कॉल नहीं जाते थे। वो बच्चा उस दुनियादारी में खो जाता है, उसे ये भी याद नहीं होता कि उसके बूढ़े माँ बाप ने कितनी मुसीबत, तकलीफ और परेशानी को झेल करके उसे वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश की है। उसे इस चीज़ का भी थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है। जब उस बूढ़े माँ बाप से कोई पूछता है कि आपका बच्चा कहाँ है, माँ इज्जत बचाने के लिए बोलती है, मेरा बेटा तो रोज़ कॉल करता है। बाप अपनी शान बढ़ाने के लिए ये बोलता है कि बेटा तो मेरे लिए ये भेजता है, वो भेजता है बाहर से। लेकिन बेटा तो यहाँ याद ही नहीं करता, वो उस दुनिया की चकाचौंध में खो गया है। मुझे एक चीज़ आप बताओ, वो बेटा उस दुनियादारी में, उस चकाचौंध में खो जाता है, शादी भी कर लेता है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को याद नहीं करता। लेकिन क्या माँ बाप अपने बच्चे को भूलते होंगे? वो हमेशा याद करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे होगा, वो हमेशा दुआएं मांगते होंगे, मेरा बच्चा सुख शांति से रहे, अच्छे से रहे। वो कभी नहीं भूलता अपने बच्चे को, वो हमेशा याद करता है। दोस्तों, मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो परमात्मा पिता परमेश्वर भी आपको उस ब्रह्मांड से इस धरती पे भेजा है। आप भले ही उस पिता परमेश्वर को, अपने पिता को, पारलौकिक पिता को भले ही थोड़े देर के लिए इंसान भूल जाता है, उस गॉड को, उस शक्ति को, उस पावर को भले ही थोड़े देर के लिए भूल जाता है, लेकिन वो पिता कभी नहीं भूलता। कभी आपने सोचा है कि कभी कभी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल पाऊंगा, आपको ऐसा लगता है कि ये मुसीबत मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप उस मुसीबत से निकल जाते हो। ऐसा होता होगा, आपने फील किया होगा, जब आप सोए रहते हो वो शक्ति आपको मिलती है जिससे आपका जीवन चर्या चलता है। जब आप तकलीफ में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, आप मायूस हो जाते हो, तो क्या वो पिता खुश होता होगा? नहीं। जिस तरह से आपको अगर परेशानी होती है तो आपके माँ बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, उसी तरह से उस गॉड को भी जब आपको तकलीफ होती है तो वो भी रोता है, वो भी, उनको भी तकलीफ होती है, और जब समय आता है तो आपको उस तकलीफ से वो निकालते भी हैं। आप भले उनको भूल जाते हो, लेकिन वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि आप भी उनके अंश हो, और सारे दुख का कारण यही है कि आप उस शक्ति को, उस एनर्जी को समझ नहीं पाए या समझने की कोशिश नहीं करते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ।
फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। धन्यवाद।